आप यकीन नहीं करोगे अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। भारत ने फाइनली अपना खुद का इंडिजिनसली मेड इंजन तैयार कर दिया है फॉर बैटल टैंक्स। अब से लगभग एक महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां जर्मनी ने भारत को बोला था कि हम आपके मिलिट्री टैंक्स के लिए इंजन सप्लाई नहीं करेंगे। भारत ने फिर डिसाइड कर लिया था कि हम हमारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इंजन बनाकर ही रहेंगे और आज वो दिन फाइनली आ चुका है। भारत ने सबको शॉक कर दिया है। यकीन नहीं होता तो ये आर्टिकल खुद आप देख सकते हो। और रिसेंटली भारत ने टेस्ट फायर भी किया है इस सक्सेसफुल इंडिजिनसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन। हमारे BEML इंजन डिवीजन ने इसे तैयार किया है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो भारत की स्पीड और स्केल की। क्या अब टेक्नोलॉजी भारत ने ऐसी डेवलप कर ली है कि अब ये टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बना देगी डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत ने इसमें काफी सारी एडवांस फीचर डेवलप किए हैं, कटिंग एज फीचर्स हैं जैसे हाई पावर टू वेट रेशियो, एक्सट्रीम वेदर में हाई अल्टीट्यूड हो या सब जीरो टेम्परेचर, रेगिस्तान हो या बंजर जमीन, ऑलमोस्ट हर कंडीशन में हमारा ये इंजन सक्सेसफुली काम करेगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि हमने जो इंजन तैयार किया है वो जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से एडवांस इंजन ग्लोबल मार्केट में उसको टक्कर दे सकता है। BEML के खुद CMD शांतनु रॉय जी ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा गौरव का विषय है, हमने फाइनली ये बड़ा टास्क अकॉम्प्लिश कर लिया है और हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर ही रहेंगे डिफेंस में। वैसे भारत लगभग 4 साल से ही इस इंजन पर काम करता आ रहा है। अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई, 5 स्टेजेस में इसे डिवाइड किया गया और फाइनली अब वक्त आ चुका है, हमारा इंजन हमारे सामने तैयार है। सो जनरेशन 1 फाइनली कंप्लीट हो चुका है जहां सबसे बड़ा फोकस यही था टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजेशन। टेस्ट फायर कंप्लीट हो चुका है और ये सक्सेसफुल हुआ है। अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहां पर हमारी भारतीय कंपनी BEML ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी इंजन्स एट अ मैसिव स्केल। और भारत की ये बड़ी जीत ने तो जर्मनी को भी पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया है। और इस बात के लिए प्लीज एक लाइक तो आज बनता ही और साथ में कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।